थोड़ा फोटो भी एक सेकंड ये फ्लैश लोग हो रहे हैं यार मैम यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैम पहले फोटो कर लेते हैं ना क्या हो रहा है अभी तक क्या किया यहाँ पर मैम सेंटर ये छोटू स्माइल मार रहा है एकदम किलर स्माइल मैम ये है छोटू बाद में ये राइट में हां अभी मेरा लास्ट कैमरा स्टूडियो में एक बार यहाँ पर लुक दे दीजिए लास्ट वाला थैंक यू सो मच थैंक यू हैप्पी दिवाली हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन मजा आ गया पिक्चर में अच्छी फिल्म बहुत अच्छी आप सबको अच्छी लगी दिवाली का तोहफा कैसा लगा ये तो गोवा जा गया गोवा जा गया मूवी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू सो मच यार कुछ बताना चाहिए किस तरह के रिस्पॉन्स मिल रहा है सबसे बड़ी बात कि सिनेमा वापस आ चुका है और रोहित सर की फिल्म के साथ सूर्यवंशी के साथ आई थिंक सो वो जो होप इंडस्ट्री को थी वो फुलफिल होगी और अब सारी फिल्में धड़ाधड़ आएगी और कहते हैं ना कि सिर्फ पिक्चर देखने का मज़ा सिनेमा में होता है तो सिनेमा वापस आ चुका है किस तरीके का पहला रिस्पॉन्स आपको मिला कुछ कॉल्स बहुत फैंटास्टिक रिस्पॉन्स मिला आई थिंक सो सूर्यवंशी के लिए सारे वेट कर रहे थे और कॉप यूनिवर्स एक ही फिल्म में 3 सुपरस्टार्स तो आई थिंक सो ऐसी फिल्म का एक पार्ट होना भी अपने आप में एक सौभाग्य है और काफ़ी ग्रेट रिस्पॉन्स रहा और मैं फिल्म देखना चाह रहा हूँ तो बस होपफुल कि ये यहाँ इस फिल्म में मेरा काम देखा जाए और इससे आगे मेरी नई शुरुआत आपके फैंस की अगर बात करें तो किस तरीके से मृणाल सूर्यवंशी में नज़र आने वाले हैं मेरे फैंस के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ रहेगा क्योंकि आई थिंक कई अरसे तक मैं टेलीविज़न पर नहीं दिखा हूँ तो वो यही सोच रहे थे कि क्या मैंने शायद एक्टिंग छोड़ दी है लेकिन एक कहते हैं ना कि एक नए स्टेपिंग स्टोन पे आने के लिए कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती है तो मेरे ख्याल से साथ ही साथ सूर्यवंशी एक नया डोर था मेरे लिए एंड आई होप सो दैट दिस डोर ओपन्स अप अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड मेरे फैंस मेरे लोगों को कुछ नया देखने मिले मेरे अवतार मिले तो यही उम्मीद करता हूँ और बस एंड काफ़ी लंबा वक्त रहा जिस तरीके से फिल्म भी डिले होती रही पैंडमिक के थ्रू एंड इन सारी चीज़ों में तो अब फिल्म आ गई है तो अब क्या फील कर रहे हैं बहुत खुशी फील हो रही है क्योंकि सबके कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आ रहे हैं और सब बधाई दे रहे हैं कि इतनी बड़ी फिल्म का मैं पार्ट हूँ तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला रोहित सर के साथ एक मौका मिला तो कहते हैं कि एक्शन हो तो रोहित सर के साथ होना चाहिए म्यूज़िकल हो तो संजय सर के साथ होना चाहिए तो वैसे ही एक बकेट लिस्ट में मेरे लिस्ट थी विश थी कि मैं रोहित सर के साथ काम करूँ आई थिंक सो इट हैज़ बीन सक्सेसफुल एंड द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग इज फिनोमिनल एंड प्लीज़ देखिएगा सूर्यवंशी क्योंकि आप सबके सपोर्ट से ही हमारी सिनेमा चलती है और हमारे ऑडियंस को यही कहूँगा कि प्लीज़ आप सब अपना